फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे यहाँ तो साइक्लोन का बहुत ज्यादा असर हो रहा है, तो साउथ इंडिया में मतलब साइक्लोन चल रहा है। तो हमारे यहाँ 2 दिन से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और मैं अभी अभी स्कूल जाके आई हूँ। तो सेकेंड सैटरडे, लेकिन हाँ हमारा वर्किंग डे था, तो चलिए शाम हो गई है। और इस सर्दियों के मौसम में तो गर्मा गर्म चाय पीना बनती है। एक तो सर्दी का मौसम और ऊपर से इतना मतलब बारिश जैसा मौसम हो गया है बाहर, सच में बहुत ठंडी लग रही है। तो दूसरे जो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यहाँ इतनी है नहीं, लेकिन नाइट टाइम में थोड़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। चलिए चाय बनाते बनाते मैं आपसे बातें करती हूँ और यहाँ के बारे में आपको बताती हूँ। मैं आते आते ना शॉपिंग पे गई थी थोड़ा, तो वहाँ पे मेहंदी लगाने वाले थे, तो मैंने सोचा चलो आज ना ट्राई कर ही लेते हैं। तो मैंने मेहंदी लगवाया, इस साइड नहीं लगवाया, मतलब ऐसे लगवा लिया। अभी सूखा नहीं है, जब रंग आएगा तब निकालूंगी, तब मैं आपसे शेयर करूंगी। अभी अभी हम लोग न्यूज़ भी देख रहे थे, न्यूज़ में बता रहे थे कि और 2 दिन बारिशें चलने वाली हैं। तो सब मतलब बाहर कोई ज़्यादातर लोग यहाँ वहाँ आ जा भी नहीं रहे, बहुत ज़्यादा ठंड भी है बाहर। क्योंकि साउथ इंडिया में वैसे इतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं है जहाँ हम रहते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे जब बारिश वगैरह होती है तो थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है। तो चलिए चाय बनाते हैं फटाफट सबके लिए, क्योंकि सब मेरा वेट ही कर रहे थे कि मैं आऊँगी तो सब मिलके पियेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं ही बना लेती हूँ सबके लिए। तो चलिए गर्मा गर्म चाय बनाते हैं और थोड़ी सी अदरक भी डाल देते हैं, ताकि ये मतलब एक रिफ्रेशमेंट अच्छा सा हो जाए, दिमाग ठीक हो जाता है मतलब अदरक वाली चाय से। ओके फ्रेंड्स, आप लोग क्या कर रहे हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप कैसे हो और आपके यहाँ पे मौसम कैसा है ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो आप भी आ जाइए फटाफट से गर्मा गर्म चाय पीने हमारे साथ। और चाय पीने के बाद बहुत सारा काम भी बाकी है, मतलब आज तो बाहर कहीं जाना नहीं है, वीकेंड है लेकिन बाहर नहीं जाएंगे, तो घर में ही अभी फटाफट से सोचना पड़ेगा कि आज डिनर में क्या बनाया जाए, क्योंकि सैटरडे है तो थोड़ा सा स्पेशल बनाना चाहिए। तो मैंने एक रेसिपी सोची है, तो वही बनाएंगे। पहले चाय पी ले, और मैं चाय नहीं पीऊँगी, तो मेरे को भूख लग रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं दूध और ब्रेड खा लेती हूँ। तो बाकी सबको चाय दे दी, मुझे लग रही है भूख और मैं ये अपने लिए बना रही हूँ। तो आज एक स्पेशल सी रेसिपी बनेगी डिनर में, सिंपल और स्पेशल, जो सबको ही पसंद आए। और यहाँ बन रही है अंडे की सब्जी, एग करी, और इसके साथ खाएंगे ज्वार की रोटी। तो मैं फटाफट से आटा गूंद लेती हूँ सब्जी के बनने तक। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिले और आप बिना मिस किए हुए वीडियो को देख सकें, व्लॉग्स को देख सकें। तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हैप्पी लाइफ चैनल के साथ बने रहिएगा, आपका लव और सपोर्ट चैनल को देते रहिएगा फ्रेंड्स। तो यमी यमी डिनर तैयार है, आप भी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स,
और आज है संडे का दिन। सुबह सुबह उठ के मैं आ गई थी छत पे ताकि अपने जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स को देखने के लिए कि कितने मतलब कैसे हैं कलियां, ये सारी खिली हैं कि नहीं। तो ये वाले जो येलो कलर के फ्लावर्स हैं वो थोड़े से खिले हैं, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना। और देखिए आज शायद से थोड़ी थोड़ी धूप आने वाली है। मौसम तो वैसे ठंडा है लेकिन धूप भी है और थोड़े थोड़े बादल भी दिख रहे हैं। तो चलिए अभी मैं नीचे आ गई हूँ, फिर से सुबह की चाय देनी है सबको। संडे कोई टाइम मिलता है हेयर केयर का तो सोचा चलो कर लेते हैं। तो इसमें मैंने ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल और क्या कहते हैं उसको कोकोनट ऑयल को मेथी डाल के थोड़ा सा गरम किया और यही लगाऊंगी बालों पे। और ब्रेकफास्ट में बनने वाला है ओट्स, तो इसको मैंने बाहर निकाल के रख लिया है। तो संडे को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट थोड़ा लाइट ही अच्छा होता है क्योंकि पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अभी बज रहे हैं 10 और मैं सुबह उठ के चाय पी के थोड़ा इधर उधर का जो काम था वो करके वापस से सो गई थी क्योंकि संडे और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। तो अभी थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, सब अपने अपने कामों में लग गए क्योंकि यहाँ धूप ही ना मतलब ठंडियों के मौसम में ना मतलब धूप आती है तो ही अच्छा लगता है, बारिश होती है तो फिर तो हम और लेजी हो जाते हैं। तो मैं अभी उठी हूँ लेट, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैं अपना जो ये जो ओट्स है ना फ्रेंड्स वो गरम कर रही हूँ। ओट्स बना था जैसे मैंने आपसे सुबह चाय बनाने के टाइम डिस्कस बोला था कि हम आज ओट्स बनाएंगे क्योंकि संडे को अगर कुछ हैवी खाते हैं तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। और कल इतने लेजी हो गए थे बारिश में, इतना ठंडा ठंडा था, कुछ प्री प्रिपरेशन की नहीं थी ब्रेकफास्ट की, तो इसलिए ओट्स। तो मैं सोच रही हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और कल मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए मेहंदी जो थी वो मैंने निकाली, तो इस तरह से इसका रंग कुछ इस तरह से है, अच्छा है ना। ओके फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, आप भी आ जाइए और देखिए गुलाब जामुन रसगुल्ला ये भी ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फ्रेंड।